इस वक्त हमारे साथ एक और सिस्टर एंड वन इज लवली लेडी, द अदर वन इज सच अ क्यूट किड हियर, सो बात करने में और भी मजा आएगा. प्लीज अपना नाम बताइए और बताइए कि आपने कहाँ से फ्लाई किया यहाँ शारजा. मेरा नाम मदीहा फारूक है एंड वी हैव कम हियर ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद. और बेटा आपका क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम. एक्सीलेंट. तो मदीहा ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस जब आपने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद आपको पता चला कि विनर है, वो कहानी एक स्टार्ट हुई, तो कैसी थी वो कहानी? कहानी ये थी कि इट वाज लेट एट नाइट एंड आई वाज सिटिंग जस्ट फ्लिपिंग थ्रू द पेज एंड व्हेन आई फाउंड आउट आई कुडंट बिलीव इट एट ऑल. आई शोड इट टू माय फादर एंड माय ब्रदर वाज देयर and I couldn't stop smiling for some reason and he's like yes this is real and I'm like oh my god jaldi karo passport chahiye unko ye chahiye. I was running around at 1 a.m. but it's been fantastic. Jahan se flight start hui, the whole trip here till now has been fabulous. The people have treated us like royalty and it's such an amazing experience. Because you are royal to us and you give us all the feel, you give us all the energy. You guys are backbone, so you have to be royal, you have to be very important. We are so happy, Madiha, aur hum umeed karte hain ki aapka experience yahan acha nahi sirf acha hi na ho, ek yaadgar bhi ho. Bilkul yaadgar, something that I am going to remember all my life. And of course my son is too, and when we're going to be back, go back home, we're going to have several stories to tell, I'm sure, and all lovely stories, right? Yes. Excellent. So there was Madiha and her cute son, and we'll catch you shortly. We've got another set of winners on our hot seat. Well, kismat naam aur kaam nahi dekhti, and this was such a pleasant experience and coincidence that it got our very own celebrity back home, Mr. Sikandar Bakht. Lekin isme ek interesting story involved hai, aur wo ye ke ye jinki kismat par aaye hain, and that pretty lady is sitting with us. Please, ma'am, apna naam bataiyega aur ye bataiye ki aapne Pakistan mein kahan se fly kiya hai. Mera naam Fatma hai, and I have flied from Karachi. All the way from Karachi. तो मैम ये बताइए कि जब आपको खबर मिली कि आप विनर हैं, उस वक्त क्या आपकी कैफियत थी? Because generally लोगों को लग रहा था कि हम लोग हंसते रहते हैं, तो ये बात भी हमने मजाक किया है. Actually मैं FM 106 को फॉलो कर रही थी और ये कॉम्पिटिशन बार बार हो रहा था and I was taking help from Sikandar in giving answers. और जब मुझे ये पता चला तो आई इमीडिएटली कॉल्ड हिम अप एंड आई टोल्ड हिम दैट आई वांट अ टिकट टू दुबई, जिस पे ही थॉट दैट इट्स अ फेक. सो हाँ, बिकॉज ये पाकिस्तान में बहुत होता है, बट ये सही था और हम इधर आज बैठे हुए हैं. तो थैंक यू टू FM 106. सर ये बताइएगा कि आपको कब यकीन आया कि ये फेक नहीं है? व्हेन आई स्पोक टू याशा फ्रॉम UAE, तो व्हेन शी कॉल्ड मी, मैंने कहा नहीं, अब ये वाकई फ्रॉड नहीं है. मैंने इसको बोला कि इंतजार करो, मैं बात करता हूँ, ये जरूर तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं. देखो जो आस्पा द मनी दंदेल को इनके से के पैसे भेज दो, कुछ ये कर लो, आधी टिकट तुम खरीद लो, समथिंग, इट्स अ स्कैम, डोंट बिलीव इट. हमने ये तो कहा कि भेज दो, लेकिन वो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे एंड देयर वाज ऑफ कोर्स कॉपीज एंड ऑल. तो फातिमा ये बताएगा कि तब से लेकर, सिंस द टाइम यू हैव यू नो कम डाउन हियर टू शारजा, अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको किसी चीज़ की तकलीफ हुई हो, क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. आई थिंक पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए. इन चीज़ों की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें लोगों पर ट्रस्ट आता है. एंड जिस वक्त से हम एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं और आज तक हमें बहुत अच्छी VIP ट्रीटमेंट मिली है. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू FM 106 जिन्होंने हमें मौका दिया. एंड बेसिकली फर्स्ट टाइम मुझे ये मौका मिला अपनी लाइफ में कि मैंने क्रिकेट लाइव देखी है. ओह दैट्स स्वीट. एंड सिकंदर साहब से पूछना चाहेंगे कि सर आपको किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिकॉज हमारी कोशिश ये है कि अगर आपने कोशिश की है हम तक यहाँ पहुंचने की, तो हम पूरा आपका अच्छा इंतजाम रखें हर चीज का. तो बिल्कुल खुले दिल से बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि 106.2 जो है मेरा फेवरेट चैनल है. ऑनेस्टली अगर आप मेरे ड्राइवर से पूछेंगे कि मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरा ड्राइवर कौन सा चैनल लगा था, वो खुद आपको बता देगा. मतलब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप लोगों के सामने बैठा हूँ, इट्स अ फैक्ट. जब भी म्यूजिक सुनता हूँ, जब भी, इसलिए कि आपकी प्लेलिस्ट अच्छी होती है, वो हमेशा 106.2 होता है. और जहाँ तक आपका ऑर्गेनाइजेशन का है, मैनेजमेंट एक्सेलेंट, फुल मार्क्स. इसलिए कि मैं तो खैर ट्रैवल करता रहता हूँ और विद टीम्स और इस किस्म की इवेंट्स वगैरह में तो नहीं, मगर एक कमेंट्री टीम्स के साथ, चैनल्स के साथ, तो आप लोगों के अरेंजमेंट परफेक्ट थे.
everything was perfect. Everybody was very nice to us. और बहुत हर चीज टाइमिंग के साथ मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी. मुझे था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुबह गाड़ी ना आए, ये ना हो, वहाँ पहुँचे तो बैठने की जगह ना हो. सब कुछ वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड. जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो भी इस वक्त हमें सुन रहे और देख रहे होंगे. वेल, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं, ये एक बहुत पॉपुलर सेइंग है. बट वी आर सो हैप्पी दैट सो फार आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग यहाँ से जाएं तो कुछ अच्छी यादें अपनी ऑलरेडी अच्छी यादों में एड करके जाएं, बिकॉज ऑफकोर्स मिस्टर सिकंदर इज वेरी वेरी वेल ट्रेवल्ड. और जब एक ऐसा इंसान जो दुनिया घुमा हुआ और फिर वो आपको एक फीडबैक दे जो पॉजिटिव हो, तो आई एम श्योर वो सर आंखों पर. जरूर कहूंगा हर एक से कि नेक्स्ट टाइम अगर 106.2 ने जब भी कोई ऐसा स्कीम निकाला, मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा, बिकॉज आई नाउ आई बिलीव कि ये सही है और आप लोग सब इसको ज्वाइन करें. इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. अगर आपको नेक्स्ट टाइम मौका मिले, आप लोग भी इस किस्म के कंपटीशन में हिस्सा लें. अगर 106.2 हो, दूसरों का मैं नहीं कह रहा, मैं इनका कह रहा हूँ, इसलिए कि इट वॉज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस फॉर अस. Thank you so much for your vote of support. And Fatma, thank you. Thank you so much. Thank you, FM 106.2. Is waqt hamari hot seat par of FM 106.2, another set of winners. And they're wearing their winning smile as well. That's nice to know. So please, apna naam bataiye aur ye bhi bataiyega ki aapne kahan se fly kiya hai. Mera naam Sayyed Asad Rizvi hai. And hum based to Islamabad mein, lekin fly humne Lahore se kiya hai. Excellent. Aur ma'am, aap apna naam bataiyega, please. Mera naam Farwa Rizvi hai aur hum log Islamabad se aaye hain. एक्सेलेंट. तो सर, हम ये जानना चाहते हैं कि सिंस द टाइम आपने फ्लाई किया ऑल द वे टू शारजा, क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा, कोई ऐसी बात जो आपको तकलीफ पहुंची हो, या आपका सफ़र अच्छा रहा, यादगार रहा, नॉट सो यादगार आया, प्लीज़ शेयर इट विद अस. नहीं, यादगार तो आई थिंक सारे जितने लम्हात हमने अभी तक गुजारे हैं उसमें से हर लम्हा जो है वो यादगार है. स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लाइट, विनिंग एक्चुअली द टूर्नामेंट, दी कॉम्पिटिशन, और उसके बाद फिर फ्लाइट भी टाइम पे थी इत्तेफाक से. और उसके बाद जब हम पहुँचे तो वो डबल ट्रीट कहते हैं ना, वो मिली कि जी जिस दिन हम पहुँचे उस दिन का भी मैच जो कल था वो भी हमने देखा, और आज का मैच तो भी हम इन्जॉय कर ही रहे हैं. और उसके बाद हम जिस टीम को सपोर्ट कर रहे थे कल, वो टीम जीती भी, और उसी टीम की वजह से हम ये कॉम्पिटिशन भी जीते थे. तो हर लिहाज से जो है वो हर लम्हा जो है वो मजीद से मजीद बेहतर हो रहा है, और इंजॉयमेंट जो है वो उसका लेवल कॉन्स्टेंटली वो इंक्रीज कर रहा है. Oh, we are on cloud 9 to hear that. Thank you so much. And असद की बेटर हाफ, आप मैम क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे तो पहले लगा ही नहीं कि असद ने कॉन्टेस्ट विन कर लिया, क्योंकि आई थॉट कि जब तक वीज़ाज और जब तक हमें टिकट्स नहीं मिलते, मैंने ज़्यादा किसी को बताया भी नहीं था. लेकिन सब कुछ इतना अच्छा था, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लाइट टिल अराइवल, और उसके बाद जो आपने एडिशनल हमें एक मैच की अपॉर्चुनिटी दे दी वो भी बहुत अच्छी थी. और कल का मैच तो काफ़ी अच्छा था, स्पेशली वो जो पिशावर जिल्मी और कोयटा का था. सो वी आर रियली इंजॉइंग इट, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है, और स्पेशली जो एम्बियंस है और एटमॉस्फेयर है, इट्स वेरी नाइस. थैंक यू सो मच फरवा, एंड आई होप दैट आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन रहे. एब्सोल्युटली. एंड उसके अलावा आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू एफएम 106.2, बिकॉज आप लोगों ने जिस तरीके से इस कॉम्पिटिशन को इनिशिएट किया और जितनी से पार्टिसिपेशन हुई, बिकॉज ऑब्वियसली हम उसको फॉलो भी कर रहे थे विन करने के बाद भी, बिकॉज वो थोड़ा आपका इंटरेस्ट और मजीद बढ़ जाता है उसके अंदर. सो देर हैज़ बीन अ वेरी इंक्रीज इन ट्रैफिक ऑन योर पेज, एंड लोगों के कॉमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव से पॉजिटिव होते जा रहे हैं. और आई थिंक के मैं लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी ने सोशल मीडिया को सही तरीके से यूटिलाइज करना है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप लोगों का जो कॉम्पिटिशन था, आप लोगों ने जिस तरीके से इसको अप्रोच किया, आई थिंक दैट वाज वेरी थॉटफुल और बहुत थरो तरीके से था. आप लोगों का अरेंजमेंट जहाँ पे, जिस तरीके से आपने सारे पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे रिसीव किया, उनके लिए जो अरेंजमेंट्स हुए हुए थे, दे आर एब्सोल्युटली फ्लॉलेस. एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू योर एंटायर टीम, योर मैनेजमेंट. लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यू, बिकॉज यू हैव बीन इन द फोर फ्रंट. बिकॉज ऑब्वियसली काम बहुत सारे लोग बिहाइंड द सीन भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो सामने होता है वो नॉर्मली प्रेज ज़्यादा ले जाता है. बट अगेन, whoever is on the front, he or she takes the entire responsibility to be the spokesperson for the entire company and the management and the brand. Thank you so much, Asad. We are so overwhelmed, but I definitely cannot take the credit. There is a lot of backstage work and hard work that goes on. Yes, I'm the front face, but we have a winning team and a lovely team and a very hard working team, accepting all the orders coming from one mastermind.
उस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ आने का यहाँ पर हमारा भी एक यादगार एक्सपीरियंस हमारे विनर्स के साथ बनाने का और यू नो गिविंग फेस टू द नेम्स एंड टू इयर्स दैट लिसन टू अस एंड कीप अस कंपनी. थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. वेलकम टू द हैप्पी फैमिली ऑफ एफएम 106.2. लेट्स हैव थ्री चीयर्स फॉर एफएम 106.2. हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे.